तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि अच्छा ही होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने फ़ोन में जो गंदे गंदे नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसको कैसे बंद करना है। तो गाइस, बेसिकली ऐसा बहुत होता है कि हम कुछ करते रहते हैं फ़ोन में और ऊपर से नोटिफिकेशन आता है। जब वो नोटिफिकेशन स्क्रॉल करके देखते हैं तो कोई काम का नोटिफिकेशन नहीं होता है और कोई कोई मतलब गंदी नोटिफिकेशन भी आता रहता है ऊपर से, जो पिक्चर वगैरह आता है बहुत गंदा रहता है। तो गाइस, वो कैसे आपको बंद करना है आज मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं गंदा और यूज़लेस नोटिफिकेशन को कैसे बंद किया जाता है। तो गाइस, सिंपली ये नोटिफिकेशन को बंद करने के लिए, जैसे कि जो कोई काम का नहीं है वो बंद करने के लिए आपको आपकी क्रोम ओपन करना होगा। जैसे कि मैं मेरे फ़ोन की क्रोम ओपन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। क्रोम ओपन करने के बाद तो आपको यहाँ पे ऊपर राइट साइड में देखिए, यहाँ पे थ्री डॉट मिलेगा, इस थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे नीचे दो नंबर में देखिए सेटिंग्स लिखा हुआ है। नीचे से दो नंबर पे देखिए सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाना होगा स्क्रॉल करके। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगा, साइट सेटिंग्स, ये देखिए साइट सेटिंग्स। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा साइट सेटिंग्स पर। तो गाइस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या बंद करना है कि नोटिफिकेशन बंद करना है। जैसे कि ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा नोटिफिकेशन बंद करने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए या डिस्टर्ब ना करे, तो इस नोटिफिकेशन को बंद करना होगा। तो गाइस, यहाँ पे देखिए मैं 11 नोटिफिकेशन को ब्लॉक करके रखा हूँ और 4 को अलाउ करके रखा हूँ। मतलब जैसे कि मैं जितना सारा वेबसाइट विजिट किया था वहाँ पे जो आता है नोटिफिकेशन सामने कि नोटिफिकेशन को अलाउ करना है या फिर ब्लॉक करना है, तो मैं 4 को अलाउ किया और बाकी 11 को ब्लॉक करके रखा हूँ। तो गाइस, ब्लॉक तो जो है वो तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, लेकिन ये 4 जो है ये 4 नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आप कितना नोटिफिकेशन अलाउ करके रखे हो, कि कहाँ कितना वेबसाइट से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपका बहुत सारा है, तो यहाँ पे आप एक एक करके बंद कर सकते हैं। जैसे कि मेरा 4 है, तो अभी मैं चारों बंद करके दिखाता हूँ। ये अलाउ है, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, अलाउ है 4, तो मैं यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे कि अमेज़ॉन पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, अलाउ नोटिफिकेशन, मतलब मैं अलाउ करके रखा हूँ। इसको देखिए ऑन करके रखा हूँ, तो ये अलाउ है, मतलब नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, तो देखिए और नोटिफिकेशन नहीं आएगा अमेज़ॉन से। तो ये हो गया, एक बंद हो गया। तो देखिए और 3 है, तो फेसबुक का नोटिफिकेशन अलाउ कर दिया था मैं, तो इसको ऑफ़ कर देता हूँ, बैक करना होगा। तो ऐसे करके आपके पास जो जो मतलब अलाउ है उसको आप बंद करके रख सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब का नोटिफिकेशन में अलाउ किया था, इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो देखिए अभी 15 नोटिफिकेशन ब्लॉक है अभी मेरे पास, देखिए कोई भी अलाउ नहीं है अभी। क्रोम ब्राउज़र से कोई भी नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है, जो गंदा नोटिफिकेशन आता है, बहुत गंदा गंदा पीक आता है ऊपर से पिक्चर वगैरह, तो वो गूगल क्रोम से ही आता है। तो गाइस, इसको आप अलाउ करके रखा है इसलिए आता है, तो आप इसको बंद कर देने से मतलब ये नहीं आएगा और ऐसा नोटिफिकेशन। तो गाइस, आप भी करके देखिए, आपका नोटिफिकेशन भी बंद हो जाएगा, ऐसा गंदा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो गाइस, ऐसे अगर आप बंद करके रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन डिस्टर्ब नहीं करेगा। और दूसरी बात कि आपके सामने बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग सामने रहता है, नोटिफिकेशन आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया, तो स्क्रॉल करके देखने से दिखाई देता है कि गंदा पिक्चर वगैरह आ गया। तो ऐसा नहीं होगा, आप उसको बंद करके रख दीजिए।
गाइस और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप नोटिफिकेशन को बंद करने जाओगे तो आप देखना कि कौन सा नोटिफिकेशन है, कौन सा वेबसाइट का है। तो ऐसा भी हो सकता है आपका कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो तो आप उसको भी बंद कर देने से पहले आप थोड़ा देख लीजिए कि कौन सा नोटिफिकेशन है, कौन सा नहीं है। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।